आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, जिले भर के विभिन्न पत्तों में देसी और विदेशी शराब और दलहन जब्त कर बुलडोजर चलाए गए, जहां लाखों रुपए के शराब पर बुलडोजर चलाया गया। 1872 प्रकरणों के तहत जब्त की गई थी शराब। वर्षों पुराने लंबित प्रकरणों में जब्त देसी शराब 7020 लीटर और अंग्रेजी शराब 3565 लीटर और हाथ भट्टियों में बनी कच्ची शराब 5196 लीटर शराब और 1,12,268 लीटर के लहान सैंपल का नष्टीकरण किया गया है। बड़वानी कलेक्टर राहुल फटिंग के न्यायालय के आदेश पर टीम गठित की गई थी, जिसमें एडीएम जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में यह नष्टीकरण करने की कार्यवाही की गई। वहीं जिले भर का आबकारी विभाग का अमला भी इस कार्यवाही के वक्त मौजूद रहा। अंजर से सतीश परिहार की रिपोर्ट। सर, आज आबकारी विभाग के द्वारा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, सर कुल कितना माल था? ये जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ऐसे प्रकरण जो कोर्ट से निराकृत हुए हैं और कलेक्टर न्यायालय से भी निराकृत हो गए हैं, ऐसे प्रकरणों का मुद्देमाल जो आज कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें देसी मदिरा करीब 7020 लीटर है और विदेशी मदिरा करीब 3525 लीटर है और लहा इसमें कच्ची हाथ भट्टी शराब थी 5196 बल्क लीटर थी और लहान करीब 1,12,268 लीटर हुआ है। इसके सैंपल थे लहान के, वो नष्ट किए गए। सर कहाँ कहाँ से शराब लाई गई थी? ये पांचों सर्किल जो एक्साइज के हैं जिले के, अंजड़ है, राजपुर, बड़वानी, सेंधवा और खेतिया, जहाँ के न्यायालयों द्वारा निराकरण के उपरांत जो मुद्देमाल नष्टीकरण के लिए सुपुर्द किया था उसको नष्ट किया गया है। सर आज दिन भर कार्रवाई चली है, तो कहाँ पे चली सर ये पूरी कार्रवाई? ये पूरी कार्रवाई आज दिन भर अंजड़ नगर पंचायत के ट्रेसिंग ग्राउंड पे चली गई, जिसमें अंजड़ नगर पालिका का सहयोग रहा है। उन्होंने ये मशीनें उपलब्ध कराई, जिसमें डेसीबी वगैरह उसके माध्यम से नष्ट किया गया है और उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सब ने मिलकर आज नष्टीकरण किया।